अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे ही होंगे। आज एक वीडियो बनाए हैं और कोशिश ये करें हैं कि अच्छे से अच्छा समझाए आपको, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिएगा, और अगर अभी जो जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत शुक्रिया। आइए वीडियो हो जाएगा, वो काम बोला हूँ। अरे क्या हो रहा है, गुस्से में दिखा रहा क्या हुआ? अरे हाँ यार, बैगन की मेरी, अरे दिमाग खराब हो जा रहा है भाई। घर के साला ना खा के बैगन का साला, बैगन 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 में मिल जा रही है भाई हालत मेरी भाई। ये टी शर्ट देख रहा, टी शर्ट टाइट होती थी, ढीली हो रही है भाई टी शर्ट। अरे जब देखो जब रे भाई, माँ की गिरगिरी, वो अम्बाड़े की भाजी, टमाटे की चटनी, दाल का सालन, खड़ी दाल, खट्टी दाल, ये दाल वो दाल, अरे रे 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 रे, बैगन के साला ना खा के बैगन में मिल जा रही बाप जिंदगी मेरी। क्या होना क्या रहा तेरे को? अरे यार तुम लोगों को मालूम है ना यार, तुम लोगों को अपने को चिकन की मंदी होना, बकरे की मंदी होना, फिश मंदी होना, तलावा गोश होना, जब तक अपने को निवाले में होश नहीं आता, जब तक अपने को पेट हजम नहीं होता, अरे दिमाग खराब हो जा रहा है। घर के साला ना खा खा के यकीन मान नको मान बाप तू। अरे क्या आ रही है भाई, मंदी अंदी खिला रहे, खिला रहे तुमका दोनों में से एक देने, मैं उठ के चले जाऊँ। अरे सुबह से कितने पैसे कमाए? मालूम है ना यार, बैगन की मेरी अपने गने, बस बोले तो पैसा है बाबा गने, काम करने की जरूरत ही नहीं है छपने को। अब तुमका बैगन की मेरी बात शुरू नको कर दो रे भाई, तुम लगा आपको तीना हो गए, मंदिर भी नहीं खिला के, खिला रहे नहीं खिला रहे दोनों में से गना। अरे भाई अरमान, अरे भाई अजमत, खिला रहा नहीं खिला रहा? आप क्या खाए भाई? कल रात मेरे भाई इतनी पालक की भाजी और आधी रोटी खाया रे भाई। वो तो कल खाए, आज क्या खाए? आज कुछ भी नहीं बाबा, अब पैसे जाके घर में दिया तो पकवान पकता चूल्हे पे हंडी चढ़ती रह गई। देखो मेरे भाई, कई लोगों के पास चूल्हा नहीं जला आज, और आपके पास साले ने घर में रखे हुए हैं। भाई मेरे, आपको तो अभी इतने सालाना मिल रहे हैं डेली के खाने के, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोड पे भूखे हैं, जिनको खाना एक टाइम का भी नसीब नहीं है, और आपके पास इतने सालने हैं। शुक्र अदा सबसे पहले सालनों से पहले माँ बाप का करो, आप माँ बाप का साया है आपके पास। आप घर को जाएंगे ना भाई तो खाना पके हुआ मिलता। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना पकाने वाला भी नसीब नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई नहीं है। आपके पास तो सब परिवार है, सब जगह आप जाके खा सकते हैं, घर है, दार है, पैसा है, सब है। आप इतना खाना मिल रहा फिर भी आप ठुकरा रहे, पूछो आप। अब देखो ये बंदा पैसे लेके जाएगा घर पे, तो जब जाके चूल्हा जलेगा, तब तक कुछ नहीं। शुक्र करो मेरे बड़े भाई, शुक्र करो आप, उतना तो मिल रहा। सबसे मेन शुक्र ये अदा करो कि आपके पास बाप है, कमा के ला रहा, आप खा रहे। कई सारे लोगों के पास बाप का साया भी नसीब नहीं है, खुद कमाना, खुद जाके पकाना, खुद खाना। कई सारे हमारे भाई हिंदुस्तान से दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके उनके खाना मिलता है, वो भी खुद आके पकाना पड़ता है, खुद कपड़े धोना पड़ता है। शुक्र करो मेरे भाई, खाने को ठुकरा मत कभी, आज मिल रहा अल्लाह का शुक्र करो। कई सारे लोगों को वो भी नसीब नहीं है, समझो आप मेरी बात, नको करो ऐसा। एक बार घर से कभी फुर्सत पे निकल के देखो, पता चलता है। अक्सर आवारागर्दी करते हुए निकलते ना रोडों पे, जब जरा नजर नीचे भी करके देखो, कई सारे बच्चे, कई सारे बड़े लोग, कई सारे बूढ़े लोग भूखे बैठे हुए थे। पानी पड़ा तो छत है, सर्दी हुई तो रजाई है, वो लोग के पास क्या है? समझो मेरे भाई, ये छोटी छोटी बातों को समझो। आज जो मिल रहा है ऊपर वाले का शुक्र करो, खाओ, खुश रहो, लोगों को खिलाने की कोशिश करो, अपने माँ बाप की फिक्र करो। सबसे मेन ये जो खाना जो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, जो खाने को ठुकरा के आए हैं, कल ये खाने के लिए तरसेंगे आप, मत करो ऐसा। जो मिल रहा है शुक्र अदा करो, नहीं ये सवाल से पूछो इसकी अहमियत। वाखे अरमान, सही बात बोला बाप तू, आँखा खोल डाला बाप तू आज, वाखे आँखा खोल डाला बाप तू। चल रे भाई निकलता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो समझाना चाह रहे थे वो इस वीडियो के जरिए आपने ज़रूर समझा होगा। तो प्लीज़ खाना या सालन वेस्ट मत कीजिएगा, जो मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, और हो सकता है तो बाहर
आप लोग और हम भी सभी लोग एक बार रोड पे निकल कर ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं, न जाने ऐसे कितने बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो खाने को तरस रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।